हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है, ऑन द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ABD एंड ACE आर ड्रॉन। प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAE, CD इज इक्वल टू BE। ओके, देखेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम से ही आधी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, देखो डायग्राम क्या कह रहा है बेटा आपका। आपका एक ट्राइंगल है ABC, आपने बना लिया ट्राइंगल ABC। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है कि AB और AC साइड पर, ठीक है, ABD बनाया गया है और ACE बनाया गया है जो कि इक्विलेटरल है। बना लेते हैं, चलिए ये आपका हो गया ABD ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल है यानी दोनों साइड आपस में बराबर होगी। और फिर बना गया है ACE ट्राइंगल, यानी ये तीनों साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया? अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल CAD यानी ये वाला पूरा एंगल बराबर है एंगल BAE के। तो ये चीज़ तो आसानी से प्रूव हो जाएगी, ठीक है। देखो, जो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है ना बेटा, उसके सारे एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। ओके, उसी तरीके से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 60-60 डिग्री का होगा। क्लियर है, अच्छे से। अब एक बात और समझना, अगर आप एंगल DAB और एंगल CAE की बात करें तो दोनों 60-60 डिग्री होगा, दोनों इक्वल एंगल होंगे यानी कि। और अगर कोई कॉमन चीज़ इक्वल चीज़ में जोड़ दी जाए तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी इक्वल हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ चीज़ पहले। तो एंगल DAB में एंगल आप BAC जोड़ दोगे और एंगल CAE में भी आप एंगल BAC जोड़ दोगे तो आपको एंगल CAD मिल जाएगा और साथ ही साथ एंगल BAE भी मिल जाएगा। क्लियर है, इतनी बात बोली समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ कर लोगे। उसके बाद कह रहा है CD और BE को भी बराबर दिखाना है, यानी CD ये वाला एंगल, CD मतलब ये वाली साइड की बात कर रहा है और BE मतलब ये वाली साइड की बात कर रहा है। ओके, समझ में आया? अच्छा, अब आपको बेटा बेसिकली यहाँ पे दो साइड या दो ट्राइंगल, दो साइड तो मैं नहीं कहूँगा, दो ट्राइंगल को लेके कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा। कौन कौन से ट्राइंगल, देखो मैं बना दे रहा हूँ। एक आपका ट्राइंगल है CAD ट्राइंगल, दिखाई दे रहा होगा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और एक ट्राइंगल है आपका BAE करके, क्लियर है, अच्छे से। ओके, अब समझना, AB और AD साइड आपस में बराबर हो जाएगी। AB और AD बराबर होगा ना, क्योंकि ABD आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड बराबर होती है। ओके, AE और AC साइड भी बराबर हो जाएगी, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ACE ट्राइंगल। और साथ ही साथ BAE और CAD ट्राइंगल भी बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा अभी बताया था, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। आप CD इज इक्वल टू BE कह सकते हो CPCTC के थ्रू, ठीक है। ये बेटा मैंने स्टूडेंट, अरे आप लोगों को क्वेश्चन ओरली बता दिया है, ठीक है। अब चलिए अब इसको लिखते हैं, लिखने का काम आसान होना चाहिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवेन, हमको क्या क्या चीज़ें पता है। ओके, जैसे पहला पार्ट क्या है कि ABD और ACE ट्राइंगल, ABD एंड ACE ट्राइंगल्स आर व्हाट, इक्विलेटरल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। ओके, बस यही चीज़ दी हुई थी आपको। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि एंगल CAD जो होगा वो एंगल BAE के बराबर होगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि CD जो होगा वो BE के बराबर होगा। क्लियर है, अच्छा, अब हम प्रूफ पे आते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे।
ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई होगा, बी ए डी और सी ए ई दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोथ इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि आपका ए बी डी भी ट्रायंगल इक्विलेटरल था और ए सी ई ट्रायंगल भी इक्विलेटरल था। समझ में आया अच्छे से? ओके, अब इसके बाद समझना। अब आप लिखोगे यहाँ पे एडिंग एंगल बी ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बी ए सी ट्रायंगल को जोड़ दिया जाए, तो एंगल बी ए डी प्लस में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई और प्लस में एंगल बी ए सी। बी ए डी में बी ए सी जोड़ोगे तो सी ए डी एंगल मिल जाएगा, ओके। और सी ए ई में अगर बी ए सी जोड़ोगे तो आपको बी ए ई एंगल मिल जाएगा, ठीक है। कहीं यही चीज़ तो हमें नहीं प्रूफ करनी थी? देखो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ हो गया आपका, ओके। अब देखो सेकंड वाला पार्ट कैसे प्रूफ करोगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यानी एंगल ए डी सी और एंगल ए बी ई को हमें इक्विलेटरल, अरे माफ करिएगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अब देखो समझना, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया, ओके। अब इसके बाद देखो ए ई इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड होती है बेटा वो इक्वल होती है, यहाँ पे आप ये रीजन दोगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ देखना, एंगल बी ए ई और एंगल सी ए डी भी बराबर है, ठीक है, तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। यहाँ पे आप ऊपर प्रूफ करके आओ तो लिख देना पी ए, पी ए का मतलब प्रूव्ड अबव, यानी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। पी ए का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है प्रूव्ड अबव, यानी ऊपर आप प्रूफ करके आए हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे आप देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगेगा। एक बार दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बचे हुए साइड बचे हुए एंगल सी पी सी टी सी के थ्रू इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो आप क्या कह सकते हो, बी ई इज इक्वल टू सी डी कह सकते हो ना, बी ई इज इक्वल टू सी डी, रीजन क्या रहेगा, सी पी सी टी सी, फुल फॉर्म क्या होता है सी पी सी टी सी का, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, माफ करिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी अगर एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि साइड साइड के बराबर होगी, एंगल एंगल के बराबर होगा, ओके, क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। देखो क्या लिखा है, कह रहा इन द फॉलोइंग डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर एंड APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ईच केस, दो केस दिए हुए हैं बेसिकली, आपको क्या करना है, कह रहा प्रूव दैट एंगल APD इज इक्वल टू, माफ करिएगा, ट्राइंगल APD इज इक्वल टू ट्राइंगल BPC को क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। उसके बाद कह रहा फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल DPC, इसमें भी यही चीज़ करनी है और इसमें भी यही चीज़ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को कुछ तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दोनों में जो है, मतलब नेमिंग भी तकरीबन सेम है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला करेंगे, यहाँ थोड़ा जगह है नहीं, इस वजह से मैं दूसरे पेज का इस्तेमाल करूँगा समझाने के लिए आपको। देखो बेटा समझना, ठीक है, समझना बेटा, समझने की कोशिश करना। ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है। ए पी बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए पी बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि एंगल ए पी डी और एंगल बी पी सी, ए पी डी ये वाला है, बी बी पी सी ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दिखा लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे।
देखो समझो, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ओके, ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर है तो वर्टेक्स एंगल कितने कितने के होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे, ये भी आप समझ रहे हो। ओके, और एपीबी आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं वर्टेक्स एंगल, वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी इसमें भी 60 डिग्री के होंगे और ये वाले भी कितने का होगा, 60 का होगा। टोटल 90 का है, इतना 60 का है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा बेटा, 30 का हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी ये टोटल 90 का है, ये वाला 60 का है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो 30 डिग्री ये भी होगा, 30 डिग्री ये भी होगा। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल ए, माफ़ करिएगा, एंगल ए माफ ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल बी पी सी में अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड साइड के बराबर, साइड साइड के बराबर, एंगल एंगल के बराबर, तो साइड एंगल साइड नहीं लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आया थोड़ा सा भी? ओके, चलिए पहले यहाँ पे मैं इसमें डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो डायग्राम या साइड में मैं बता देता हूँ, ये ए पी डी है और ये आपका है बी पी सी। ओके, ये आपका 30-30 डिग्री आया है, कैसे आया है अभी मैंने आपको बताया। ओके, ये वाली साइड इसके बराबर थी और ए डी साइड आपका बी सी के बराबर थी। ठीक है ना, साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। चलिए इसको लिख लेंगे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी सी। ओके, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन क्या रहेगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझना है ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी, इसमें क्या लिखोगे, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर की साइड भी बराबर होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी बराबर होती है। ओके, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयर फोर ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी सी। क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग गया। ओके, अब देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका फर्स्ट वाले में, उसके बाद कह रहा है डी पी सी जो ट्राइंगल है ना, इसका एंगल भी पता लगाना है। डी पी सी ट्राइंगल का, डी पी सी ट्राइंगल का एंगल भी पता लगाना है। ठीक है, तो देखो डी पी सी ट्राइंगल इसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ। ठीक है, ये तो हो गया ना, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता सके, समझना बेटा। ठीक है, देखो समझना, ए डी आपका ए बी के बराबर है और ए बी आपका ए पी के बराबर है, समझो। देखो बता रहा हूँ यहाँ पे, ए डी आपका ए बी के बराबर है, ए डी और ए बी बराबर होंगे, क्यों, अरे भैया स्क्वायर के साइड है, स्क्वायर के साइड तो बराबर होते हैं। ठीक है, और ए बी किसके बराबर है बेटा, ए पी के बराबर है, ए बी आपका ए पी के बराबर है, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड हैं, ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा है मैंने, ये आपके आपस में साइड ऑफ स्क्वायर हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ए डी ए बी के बराबर, ए बी ए पी के बराबर, तो इन दोनों का अगर कंक्लूजन निकालें तो ए डी और ए पी बराबर नहीं हो जाएगा, देयर फोर ए डी इज इक्वल टू ए पी, समझे कि नहीं। ठीक है, अच्छा, यानी ए डी और ए पी अगर बराबर हो गई, ये दोनों साइड आपस में भी बराबर हो गई, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर दो साइड आपस में बराबर है ट्राइंगल की, तो उसके अपोजिट वाली दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, एक है आपका 30 डिग्री,
एपीडी ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, एक एंगल है 30 डिग्री और ये एक मिनट बेटा, एक एंगल है 30 डिग्री, दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों को एक्स एक्स मान लिया जाए तो कितने हो जाएंगे बताओ बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? ये हवा में तीर चला रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल एपीडी एक्स प्लस 30 डिग्री, तीनों का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 उतर जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा तो 150 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 75 आई है, उसके बगल वाली की कितनी हो जाएगी, ये टोटल जो है आपका टोटल तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि जो एंगल D है पूरा ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो अगर x 75 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 15 डिग्री नहीं हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 करेंगे 30 आएगा, 30 को 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, एंगल DPC 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपका एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल PCD इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स करेंगे तो 90 माइनस 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो एंगल DPC होगा ना, DPC ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15 प्लस में 15 प्लस में एंगल DPC हो जाएगा, एक मिनट माफ़ करिएगा, एंगल DPC क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट 15 प्लस 15 है ना, इसको करके आप इसको 180 से माइनस कर दोगे, यहाँ पे एरो लगा लो, DPC कैसे निकलेगा, 180 में से 15 प्लस 15 को माइनस कर दोगे। अरे देखो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 से माइनस कर देंगे, वही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। तो DPC कितना आ जाएगा ज़रा बताना बेटा, 15 30 हो जाएगा, 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है अच्छे से, ओके चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको इसी पेज में कर लेते हैं, अब तो जगह हो गई ना, ये वाला तो उधर बता दिया मैंने, अब ये वाला बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से बताता हूँ, देखो सेम चीज़ है, समझना, आप इस बार जो है एंगल ADP को और एंगल ट्राइंगल ADP को और ट्राइंगल BPC को आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, देखो ये वाला साइड इसके बराबर, साइड ऑफ स्क्वायर AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आपका 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ स्क्वायर ये आपका 60 डिग्री होगा, ये दोनों 60 एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों को प्लस करेंगे 150 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल DAP भी 150 डिग्री हो जाएगा, एंगल CBP भी 150 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके थ्रू, साइड एंगल साइड से, ओके। चलिए इसको लिख देता हूँ मैं कि इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल BPC, ओके AD इज इक्वल टू BC, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB, क्यों बेटा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। फिर लिखेंगे आप एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल CBP इज इक्वल टू 150 डिग्री, ब्रैकेट में चाहे लिख दो 90 प्लस 60, समझ में आ जाएगा कि कैसे आया है, क्लियर है। तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ADP, ठीक है, इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BPC, क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, ओके। अच्छा एक बार क्राइटेरिया लग गया तो आप DP इज इक्वल टू PC कह सकते हैं ना, CPCTC के थ्रू लिख दीजिए कि DP इज इक्वल टू PC हो जाएगा, रीज़न क्या लगा, CPCTC, ओके अच्छा।
आप समझना इसके बाद, ये दोनों तो हो गया। देखो समझना, ए डी इज इक्वल टू ए बी होगा साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए पी होगा, क्यों, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए डी और ए पी बराबर नहीं हो जाएगा। चाहे लिख दो ये साइड ऑफ स्क्वायर की वजह से हुआ है, एक मिनट, साइड ऑफ स्क्वायर ये बराबर हुआ है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से। इन दोनों को कंपेयर किया तो ए डी इज इक्वल टू ए पी हो गया, यानी ए डी और ए पी बराबर हो गया। और अगर ए डी बी ट्रायंगल में देखा जाए, और अगर ए डी और ए पी बराबर है ए डी बी ट्रायंगल में, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा ज़रा देखिए, बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पूरा आपका 150 है, तो ये दोनों 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 का आधा आधा हो जाएगा ये दोनों, यानी 15 डिग्री ये हो गया और 15 डिग्री ये हो गया, ठीक है। और ये पूरा आपका 90 डिग्री है, ये पूरा आपका 90 डिग्री है। अगर इतना सा 15 है तो इतना से कितना हो जाएगा, 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री। अगर ये 75 आया है तो ये भी 75 आ जाएगा, 75 75, तो तीसरा एंगल तो आप पता लगा ही लोगे। 75 75 को प्लस करोगे, 180 से माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 75 75 150 होगा, 180 से माइनस करोगे 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मुँह जबानी तो कर दिया है, बाकी मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो एंगल, पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इन ट्राइंगल ए डी पी ट्राइंगल में, ठीक है, एंगल डी ए पी प्लस में एंगल ए डी पी और प्लस में एंगल, एक मिनट, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे, एक्स एक्स मान लो, ठीक है। डी ए पी कितना था, 150 था, तो 150 प्लस में एक्स एक्स तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ गई। अगर x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई तो एंगल पी डी सी कितना हो जाएगा, एंगल पी डी सी और एंगल पी सी डी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। तो फिर एंगल डी पी सी कितना हो जाएगा, एंगल पहचान लेते हो कि नहीं, पी डी सी का मतलब कौन सा होगा, पी डी सी यानी ये वाला, उसके बाद पी सी डी यानी पी सी डी यानी ये वाला, ठीक है, फिर डी पी सी लिखा हूँ, डी पी सी यानी कि बीच वाला, ये कैसे आएगा, 180 में से आप माइनस कर दोगे 75 प्लस 75 का सम, 75 75 150 होगा, 180 में से माइनस कर दोगे कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, अच्छे से, ओके, दिखाई दे रहा है ना, समझ में आया, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल्स ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, ए बी सी जो है ए बी सी ट्राइंगल वो बी पे राइट एंगल है, ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस आर स्क्वायर, ए बी पी क्यू और ए सी आर एस स्क्वायर है, चलिए ठीक है स्क्वायर है तो अच्छी बात है। कह रहा है ए सी क्यू और ए एस बी को कॉन्ग्रेंट दिखाइए आप, और सी क्यू इज इक्वल टू बी एस दिखाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सा कॉन्ग्रेंट दिखाना है, यहाँ तो कह ही दिया है कि ए सी क्यू और ए एस बी को कॉन्ग्रेंट दिखाइए, चलिए बना लेते हैं पहले साइड में अलग से इसको। ए सी क्यू कौन सा ट्रायंगल है, ए सी क्यू, ए सी क्यू, ठीक है, देखो इसी में से काट के बनाया है समझ लो। दूसरा क्या है, ए एस बी है, क्लियर है, ओके, अब समझना, ए बी आपका, ए बी जो है ये क्यू ए के बराबर हो जाएगा, ए बी आपका क्यू ए के बराबर नहीं होगा क्योंकि ए बी पी क्यू आपका क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड बराबर होती है, क्लियर है, अच्छे से,
ओके अच्छा आप समझिएगा इसके बाद, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। कैसे होगा अभी बता रहा हूँ आपको, और समझिएगा। जो आपका एसी साइड है, कौन सा एसी, ये बराबर हो जाएगा एएस के, एसी बराबर हो जाएगा एएस के। क्यों बेटा? क्योंकि एसी आरएस भी आपका स्क्वायर है, क्लियर है। अब ये वाला एंगल इसके कैसे बराबर होगा ये भी बता देता हूँ। देखो सॉल्यूशन देखो पहले, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए गिवन, क्या क्या गिवन दिया है, ठीक है। तो गिवन तो बेटा एक ही लाइन में सब लिख देता हूँ कि आपका जो एबीसी है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। दूसरी चीज़ क्या दी है, ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस आर स्क्वायर्स, ये दोनों चीज़ दी है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, टू प्रूफ। प्रूफ करने को क्या कह रहा है कि ए सी क्यू ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए सी क्यू और ट्रायंगल ए एस बी कॉन्ग्रेंट है। दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करना है कि सी क्यू इज इक्वल टू बी एस है, ओके। अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ज़रा, पी आर डबल ओ एफ प्रूफ। पहले ये एंगल प्रूफ कर देते, उसके बाद तो हो ही जाएगा। आप लिखेंगे एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी और एंगल एस ए सी, एंगल एस ए सी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बेटा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें आप कोई कॉमन एंगल जोड़ोगे, कौन सा जोड़ोगे, ये बीच वाला जोड़ोगे, एंगल सी ए बी, ठीक है। तो एडिंग एंगल सी ए बी ऑन बोथ साइड, एंगल सी ए बी को आपने दोनों साइड जोड़ दिया, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल क्यू ए बी में आप एंगल सी ए बी जोड़ो, उसी तरीके से आप एंगल एस ए सी में एंगल सी ए बी को जोड़ो, क्या मिलेगा, क्यू ए बी ये वाला है, सी ए बी ये वाला है, मिला देंगे तो आपको एंगल क्यू ए एस मिल जाएगा, ठीक है ना, माफ़ करिएगा क्यू ए सी मिल जाएगा। देख लो एंगल क्यू ए बी ये वाला है, सी ए बी ये वाला है, मिला देंगे तो आपको एंगल, ये पूरा एंगल मिल जाएगा, एंगल क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी मिल जाएगा। उसी तरीके से इसको और इसको मिला देंगे तो आपको एंगल एस ए बी मिल जाएगा, या बी ए एस कुछ भी कह सकते हो, एंगल बी ए एस, क्लियर है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दो, कैसे दिखाओगे, लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी एस एंड ट्राइंगल क्यू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए क्यू, ए एस इज इक्वल टू ए सी। इसका रीज़न क्या रहेगा, साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे एंगल बी ए एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ए सी। इसका रीज़न क्या लिखोगे, पी ए, पी ए का मतलब प्रूव्ड अबव, आप ऊपर इसको प्रूव करके आए हो, तो आप लिखोगे देयर फोर ट्राइंगल ए बी एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू ए सी। क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, दो एंगल के बीच में साइड बराबर है तो आपका साइड एंगल साइड लग गया। अब देखो कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज ना हो जाएंगे, सर यहाँ पे ए सी क्यू लिखा है, आपका क्यू ए सी आ रहा है, यहाँ पे एंगल ए एस बी लिखा है, आपने ए बी एस लिखा है, ठीक है। देखो ट्राइंगल वही है, बस नेमिंग आगे पीछे हो गई, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। एक बार दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए तो इसके बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल सी पी सी टी सी के थ्रू बराबर हो जाएंगे। एक बार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल सी पी सी टी सी के थ्रू बराबर हो जाएंगे। तो देखो ए बी एस ट्राइंगल में आपका आ रहा है बी एस और क्यू एस सी ट्राइंगल में आपका आ रहा है सी क्यू, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सी क्यू इज इक्वल टू बी एस। रीज़न क्या रहेगा बेटा, सी पी सी टी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये होता है सी पी सी टी सी का फुल फॉर्म, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।